हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग पे बेस्ड है, तो जो ये जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग किस तरीके से करी जाती है, प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरी तरह स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आप अपना बिज़नेस खुद चलाते हैं, तो आपको हर काम खुद करना तो आता ही होगा। इसके साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग भी करनी आती होगी। आज मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ कि अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है। क्योंकि मैं ज्वेलरी मेकर हूँ, इसलिए मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे करती हूँ वो सिखाऊंगी। मैंने भी धीरे धीरे ओवर द ईयर्स अपनी प्रोडक्ट्स की एग्जैक्ट कॉस्टिंग कैसे की जाती है सीखी। इसमें आपको बेसिकली दो चीज़ों का बेहद ध्यान रखना होगा। नंबर वन, कि आप अपने कस्टमर्स को ओवर चार्ज ना करें, जिससे कि आपका प्रोडक्ट ओवर एक्सपेंसिव ना बने और हर कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहे। दूसरा, आपके प्रोडक्ट्स और आपकी मेहनत का आपको फुल अमाउंट चार्ज करना है, जिससे कि आपको भी लॉस ना लगे। क्योंकि आप जो हैं स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आपने एक प्रोडक्ट तैयार करने के पीछे आपकी बहुत मेहनत लगी होती है, तो आपको ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कॉस्टिंग करते समय हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें ये हैं कि अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि मैं ज्वेलरी मेकर हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं खुद बनाती हूँ। इसके लिए मैं रॉ मटेरियल्स खुद खरीदती हूँ, खुद प्रोक्योर करती हूँ, अपनी इन्वेंट्री खुद बनाती हूँ, मैं कहीं से परचेज नहीं करती। तो जो पहली कॉस्टिंग हम लोग सीखेंगे वो थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप की कॉस्टिंग है। इसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर वन, आप अपने रॉ मटेरियल्स जहाँ से भी प्रोक्योर करते हैं उसकी प्रोक्योरिंग कॉस्ट और रॉ मटेरियल्स की बेसिक कॉस्ट, उसको आप नोट डाउन करके रखें। मतलब आपके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट जो है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। और नंबर टू, जब आप अपने प्रोडक्ट्स कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपके कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी कितनी कितनी लगी है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालिए। जब कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम लोग अपने पूरे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट जो है ऐड करते हैं, और सबसे पहली चीज़ जो ये होती है, जो हमारे पास कितना सामान लगा है उसकी कॉस्ट हम लोग लगाते हैं। नंबर टू जो होता है, हमको ये देखना होता है, क्योंकि हम स्मॉल बिजनेस हैं तो हमारे हिसाब से हमारा कितना टाइम कंज्यूम हुआ है हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो हम प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, उनको बनाने के लिए हमारा कितना टाइम लगा है, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर किसी प्रोडक्ट में को बनाने में ज़्यादा टाइम लगा है तो उसकी कॉस्ट, जो कम टाइम लगा है जिस प्रोडक्ट को बनाने में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वैसे ही कितना आपकी एफ़र्ट लगी है, हर प्रोडक्ट को बनाने में एक जैसी एफ़र्ट नहीं लगती। अगर आपके कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं तो आपके कस्टमाइजेशन में कितना आपकी एफ़र्ट लगी है उसको भी ध्यान में रखना है। तो तीसरी चीज़ ये होती है, कितना एफ़र्ट आपने लगाया है, कितना ह्यूमन लेबर लगाया है, इसका भी ध्यान रखना है। अगर आपने किसी और से बनवाया है तो आपने कितनी कमीशन दी है उसको, उस प्रोडक्ट में बनाने के लिए उसका कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट होती है। एक स्मॉल बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर के लिए ये सब कुछ नोटिस करना और नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करती हैं। जब आप स्टार्टिंग में अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आपको इतना आइडिया नहीं होता है, बट धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस प्रोग्रेस होता है और बड़ा होता है, एक्सपेंड होता है, क्यों आपके प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं और आपकी सेल ज़्यादा होती है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। अगर आपने खुद बनाया है तो आपको खुद का भी ध्यान रखना है। अगर आपने कहीं और से प्रोक्योर करवाया है और किसी और को कमीशन बेसिस पे काम करवाया है किसी और से, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ती हैं। तो नंबर फोर जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी पैकेजिंग कॉस्ट जुड़ती है। इसके बाद आपने जहाँ भी अपना प्रोडक्ट शिप करना है उसकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो भी जुड़ती है। शिपिंग कॉस्ट जो है आपके शिपिंग पार्टनर्स के साथ आप जब टाई अप करते हैं तो वो आपको बताते हैं। शिपिंग कॉस्ट जो डिपेंडेंट होती है वो प्रोडक्ट
कितनी दूर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है, वॉल्यूम वेट पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो वेट ज़्यादा है उसका और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो उसकी कॉस्ट उसी के हिसाब से डिटरमिन होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कॉस्टिंग में आती हैं। अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें अपनी कॉस्टिंग में आपको जोड़नी होंगी। तो सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट, नंबर वन। नंबर टू, हमको ये देखना है कि हमारे कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। नंबर थ्री, हमको ये देखना है कि हमारी कितनी एफर्ट लगी है। अगर हम कमीशन बेसिस पे दे रहे हैं तो कितना आपने कमीशन दिया है। नंबर फाइव, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, वो भी इसमें ऐड होती है। और नंबर सिक्स, आपकी शिपिंग कॉस्ट क्या है। तो जब आप प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ के उसकी टोटल फाइनल कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ही अमेज़ॉन में लिस्टिंग करी थी, तो वहाँ की कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी और फ़र्क हो जाती है। आपकी अपनी कॉस्ट के ऊपर आपको उनके कमीशन का भी ध्यान में रखना होता है। तो उसका मतलब ये है कि आप जब अपनी कॉस्टिंग खुद की बनाते हैं उसके ऊपर उनकी कमीशन भी ऐड होती है, और फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को और बायर्स को जाता है। तो टोटल इन ऑल अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्टिंग में ऐड हुई हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ मिस कर दी तो आपकी कॉस्टिंग ठीक नहीं आएगी, आपको ठीक से प्रॉफिट नहीं मिलेगा एंड यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द एंड रिज़ल्ट ऑफ योर बिजनेस। इसलिए कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक बिज़नेस को चलाने में, और ठीक से कॉस्टिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के में। अब हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा कॉस्टिंग है, वो एक रीसेलर कॉस्टिंग है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग ब्रांडेड खरीदना चाहते हैं। मैं तो मोस्टली कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ही बेचती हूँ, मैं ये वाली कॉस्टिंग में नहीं डील करती हूँ, बट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मिल्टन का जग बेचना है अमेज़ॉन के थ्रू, उसकी आप कॉस्टिंग कैसे करेंगे। अमेज़ॉन के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपका जो होलसेल प्राइस है जो आपने उस प्रोडक्ट के लिए दिया है, उसके ऊपर आप अपनी पैकेजिंग, शिपिंग और रीसेलिंग और अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर आप उसको सेल करिए। मतलब इसके ऊपर अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं जैसे अमेज़न को, तो उनका कमीशन भी ऐड करिए, अपना प्रॉफिट भी ऐड करिए और एमआरपी के ऊपर नहीं करिए। इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक एमआरपी वैल्यू होती है, तो उसमें से आपको ऐसी कॉस्टिंग देनी है कि आपको खुद के लिए भी प्रॉफिट कमाना है और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बेच रहे हैं उनको भी आपको प्रॉफिट देना है, तो इसमें प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। तो जो रीसेलिंग का बिज़नेस होता है उसमें आपके मार्जिन्स कम होते हैं मगर आपका बल्क में आपको प्रॉफिट होता है, तो इसलिए आपको अपने प्रॉफिट के मार्जिन्स कम रखने पड़ते हैं उसमें, क्योंकि उसमें बल्क सेलिंग होती है या बल्क बाइंग होती है। तो ये दो प्रॉफिट अर्निंग के, दो कॉस्टिंग के तरीके होते हैं। इनमें से एक और तरीका जो ज्वेलरी मेकर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, वो ये है कि अगर कुछ ज्वेलरी मेकर्स जो हैं वो रीसेलिंग भी करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, तो आपको उनमें जो जिस प्राइस में आपने वो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसके ऊपर आप शिपिंग या थोड़ी बहुत अपनी जो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन अगर आपने करी है तो वो जोड़ के उसके बाद आप उसमें शिपिंग एंड पैकिंग कॉस्ट ऐड करके फिर उसकी प्रोडक्ट प्राइस बताइए। जब भी आप एक कंज्यूमर को जब उनके सामने एक प्रोडक्ट का प्राइस पुट अप करते हैं या उनके सामने लाते हैं, तो आपको उनको बाद में ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि आप इसमें और शिपिंग ऐड कर दिए, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि हमको इसके ऊपर भी कुछ देना पड़ेगा, तो उनके लिए वो फाइनल कॉस्ट नहीं होती। वेन एवर यू आर डिस्प्लेइंग योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, यू शुड ऑलवेज ऐड शिपिंग एंड पैकेजिंग
cost in the price you are serving to your customer. I think that gives a better option. मतलब वो ज़्यादा ऑप्शन बेटर होता है उसमें. अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं बाद में तो आप उनको ये बता सकते हैं कि इसमें से मैं ये, क्योंकि बास्केट सेल का है तो इसमें आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा. क्योंकि अगर आप शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा से बताते हैं तो वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी हो जाती है कि वो कस्टमर्स को ये लगता है कि इसमें तो अभी इतने और रुपीज़ या डॉलर्स व्हाटएवर ऐड होंगे तो उनको वो इतना बेनिफिशियल नहीं लगता. इसलिए आप अपनी पैकेजिंग और शिपिंग कॉस्ट ऐड करके ही प्रोडक्ट का प्राइस कोट करिए, वो बेटर ऑप्शन होता है. आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि कॉस्टिंग कैसे करी जाती है. अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए. और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और आप कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीक. तब तक के लिए अलविदा.